ओके, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चॉकलाइन मूवी के बारे में, जो कि भाई हद से ज्यादा अजीब है। फिल्म की शुरुआत में हमें कपल पोला और सिमन को देखते हैं, जो कि जा रहे होते रास्ते में, अंधेरा चारों तरफ है और पुलिस कार्स को रोक रोक कर उनको चेक कर रही होती है, जैसे कुछ खोजा जा रहा है। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रोड पर इनको एक अकेली छोटी सी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, शायद पुलिस इसे ही खोज रही थी। कपल उसे आवाज लगाते हैं और बच्ची सुनती नहीं है। पीछे से आ रही एक बाइक की तरफ लड़की भागने लग जाती है काफी तेज, और उससे टकराकर बाइक के एक्सीडेंट हो जाता है और लड़की बेहोश हो जाती है। जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बच्ची कौन है, कहां से आई है, किसी को नहीं पता। मिसिंग कंप्लेंट चेक किए जाते हैं तो उसमें भी कुछ पता नहीं चलता, इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट है ही नहीं। और ये दोनों कपल पोला और सिमन घर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते पोला को जो अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रही होती है और वहीं पर छुपा कर रखती है इस इंजेक्शन को भी, क्या है हमें आगे पता चलता है। बच्ची के माता पिता तो नहीं मिलते, तो पोला और सिमन रोज बच्ची के पास जाते हैं हॉस्पिटल में और उसको देखा करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बाइक से टकरा कर ही बेहोश नहीं हुई थी, ये पहले से बीमार है, इसकी किडनी भी डैमेज हो चुकी है। कपल को देख के बच्ची पैनिक हो जाती है और यहीं पर एक नर्स का नाम क्लेरा होता है तो बच्ची रिस्पोंड करती है सुनकर, तो इनको ये पता चल जाता है कि इस बच्ची का नाम भी क्लेरा ही है। और बच्ची की हालत में कुछ दिनों में सुधार आने लगता है, पर मेंटल हेल्थ अभी भी इसकी खराब होती है, पैनिक हो जाती है बात बात पे और चौक से एक बॉक्स बनाकर उसी में रहती है। अगर उस चौक बॉक्स से इसको कोई बाहर निकालने की कोशिश करता है तो ये चिल्लाती है, मारती है, बहुत अजीब अजीब सी आवाज निकालती है। पोला इसे काम डाउन करती है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि चौक के डब्बे में क्यों रहती है। पोला सिमन घर आ जाते हैं और अभी तक बच्ची के बारे में सोच रहे होते हैं। पोला को तो हर जगह वो बच्ची दिखने भी लग गई होती है। तो अगले दिन फिर से हॉस्पिटल आते, डॉक्टर बताते हैं कि चौक लाइन से बाहर जाते ही ये बीमार हो जाती है, इसका दिमाग खराब हो जाता है, रोने लगती है। पोला भी इसे अब अटैच हो गई है और डॉक्टर का कहना है कि बच्ची हॉस्पिटल में रहेगी तो जल्दी ठीक नहीं होगी, तो तुम लोग इसको घर पर लेकर जाओ, वहां पर रखो, क्या पता वहां पर इसका मन चेंज हो, मन लग जाए और तुम्हें सब कुछ बता दे कि कौन है, कहां से आई और ऐसा क्यों करती है। अब यहाँ पर कपल क्लेरा को घर लेकर आते हैं। बच्ची हमेशा एक बॉक्स बनाकर चौक से उसके अंदर ही रहती है और बाउंड्री के कभी भी बाहर नहीं आती। कपल परेशान है कि ऐसा क्यों करती है, और हम भी सोचेंगे कि इसको हुआ क्या जो ऐसा कर रही है ये। तो एक दिन पोला चौक मिटाकर ज्यादा स्पेस में लाइन बना देती है, तो बच्ची फिर वहां घूमने लगती है, फिर पूरे घर में लाइन बना देती है चौक से, तो बच्ची पूरे घर में चौक के लाइन लाइन से घूमने लग जाती है। और ये समझ जाते हैं कि ये जहां जहां तक चौक हम खींचेंगे वहां वहां तक घूमेगी और रहेगी इसके अंदर ही। एक दिन डॉक्टर यहाँ पर विजिट करते हैं क्लेरा से बात करने के लिए और गलती से इसे चौक लाइन के बाहर निकाल देते हैं। क्लेरा इसे मारने लग जाती है और मारते हुए बोलने लगती है, और सब समझ जाते हैं कि गूंगी नहीं बल्कि बोल सकती है, पहले बोलती नहीं थी। पोला जल्दी से चौक बना के उसको अपने पास बुलाती है और टाइम ऐसे बीतने लगता है, दोनों क्लेरा का ख्याल रखते हैं। एक दिन पोला की प्रेग्नेंट पड़ोसन घर पर आई होती है, पोला खिलाती है इसको ब्रेड और जैम और लेडी के मुंह से आने लगता है ब्लड, क्योंकि खाने में एक बहुत बड़ा ग्लास का टुकड़ा था। लेडी को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सिमन का शक जाता है क्लेरा के ऊपर कि उसी ने जैम बॉक्स के अंदर वो कांच का टुकड़ा डाला होगा, पर पोला यह मानने को तैयार नहीं है। इल्जाम लगाती है कि ये जैम कंपनी वालों की गलती है, उन्होंने ही गलती से बॉक्स में ग्लास डाल दिया होगा। डॉक्टर फिर से आ जाई होती है, जो क्लेरा उस दिन बोल रही थी ना उसे ट्रांसलेट किया गया होता है, जो कि जर्मन था। अब सभी जर्मनी के पुलिस को कॉन्टेक्ट किया जाता है कि चाइल्ड मिसिंग, कुछ हुआ है ऐसा वैसा, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ क्लेरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो घर में मस्त घूमती रहती है चौक से लाइन बना बना के, और दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। क्लेरा अब पोला पर भी अटैक करने लग गई है, वो इतनी पैनिक हो जाती है। डॉक्टर का कहना है कि ये बच्ची के अंदर शैतान है, और कपल डिसाइड करता है कि इसको वापस हम हॉस्पिटल में दे देंगे, घर पे रहने लायक नहीं है। और अगले दिन पोला के गले में भी सेम ग्लास का टुकड़ा फंस जाता है और मुंह से ब्लड आने लगता है। क्लेरा वहीं बैठी हुई है, सब कुछ देख रही है, पर वो हेल्प नहीं करती है। पोला बाथरूम में जाती है सब ठीक करने के लिए, और जब वो बाहर आती है तो इतने में क्लेरा गायब हो गई होती है। पोला को लगता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया, क्योंकि क्लेरा कभी भी चौक लाइन से बाहर खुद नहीं जाती थी, तो वो यहां से कैसे भाग सकती है। अब सबका कहना है कि वो शैतान बच्ची थी जो कि भाग गई। पुलिस भी खोज रही होती है पर कुछ पता नहीं चल रहा। एक जगह क्लेरा की जैकेट मिली है उन्हें, और पोला उसके लिए फिक्र कर रही होती है, शायद क्लेरा मुसीबत में होगी। सिमन कहता है कि नहीं, अब उसके बारे में मत सोचो, अगर वो मिल भी जाती है तो हम उसको यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे। पोला अब उस बच्ची से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई है, तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस भी हो जाती है कि ये लोग 6 साल से बच्चा पैदा करने का ट्राई कर रहे पर हो नहीं रहा है, और इसीलिए ये ट्रीटमेंट भी ले रहे थे कुछ टाइम पहले, बट सिमन ने ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था। बट क्लेरा अभी भी ट्रीटमेंट चुपके चुपके लेती है, जो हमने फिल्म के शुरू में देखा था ये इंजेक्ट कर रही थी अपनी बॉडी में, और सिमन को ये बात पता है, फिर भी वो इसको कुछ कहता नहीं है। जब से आज लड़ाई होती है और दोनों यहाँ से अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। इतने में पोला को क्लेरा कॉल करके मोम मोम कहने लगती है। पोला जल्दी से पुलिस को बताती है और पुलिस स्टेशन में बुलाकर नंबर चेक किया जाता है कहाँ से कॉल आई थी, तो ये पोला के घर में से ही कॉल किया गया था, उसके टेलीफोन से। तो सबको लगता है कि पोला पागल हो गई है, तो पोला को अच्छे से डॉक्टर को दिखाने को कहा जाता है। पोला को लाया जाता है यहाँ पर चेकिंग के लिए।
पर ये जानती है कि कुछ तो लफड़ा है, इसलिए खुद केस को चेक करना चाहती है। पुलिस वाले से मिसिंग बच्चों की फाइल्स मांगती है जितने भी गायब हुए कुछ सालों में जर्मनी के अंदर, और कई सारे बच्चों की लिस्ट चेक करती है, केस बहुत सारे होते हैं। इसी में एक लड़की की प्रोफाइल मिलती है जो टीनेजर थी और इसकी बॉडी पर मारने पीटने के काफी निशान थे। फोटो में एक पेपर डॉल भी होती है। पोला को याद आ रहा है सेम ऐसा ही पेपर डॉल क्लेरा भी बनाया करती थी। तो पोला यहाँ से उस मरी हुई लड़की के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताती है कि उसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी, एक आंख वीक थी। और अब ये सुनकर पोला वापस से फाइल पढ़ने लगती है जिसमें एक इंग्रिड नाम की लड़की का केस होता है जिसकी एक आंख खराब है और उसकी आंखों पर पैच लगा हुआ है। तो ये लड़की इंग्रिड के बारे में जानकारी हमें यहाँ मिलती है, 10 साल पहले ये बीच से अचानक किडनैप हो गई थी और उसी टाइम से ये कभी मिली ही नहीं है। पोला इंटरनेट पर खोजती है उसकी पेरेंट्स को और यहाँ पर एक वीडियो होता है जिसमें बता रहे कि हमारी बेटी क्राफ्ट बनाया करती थी और जिसे प्यार करती थी ना उसे ही क्राफ्ट देती थी और गार्डियन एंजल कहा करती थी। पोला सारी जानकारी लेकर घर आती है, क्लेरा की बनाई हुई ड्राइंग को देखने लगती है, चौक बॉक्स में बैठ जाती है और इसकी नजरें जाती है सामने वाले विंडो से बाहर होकर सामने रोड क्रॉस करके घर होता है उसके ऊपर, जहां एक एंडोरा नाम का आदमी लड़का कुछ भी कह लो खड़ा होता है। पोला को लगता है कि इसी ने क्लेरा को गायब किया है। और यहां से हम पास्ट में जाते हैं उस रात जब फिल्म शुरू हुई थी। एंडोरा उसी रात क्लेरा के साथ कहीं जा रहा था जब इसने देखा कि सामने पुलिस चेकिंग चल रही है, तो उसने क्लेरा को उतार दिया रोड पर और कहा कि ये जो सफेद लाइन दिख रही है ना इसके अंदर अंदर चलते रहना रोड पर सीधे सीधे। और क्लेरा वहीं कर रही थी उस दिन, तभी वो पोला और सिमन से मिल गई थी। और जब एंडोरा को ये सारी चीजें पता चली कि क्लेरा अब कहाँ पर है हॉस्पिटल में और यहाँ वहाँ, तो एंडोरा यहाँ पर पड़ोसी होता है तो वो पोला के घर में कभी कभी चुपके से घुस जाया करता था और उसी ने उस जैम के डब्बे के अंदर ग्लास डाला था जिसको खाकर क्लेरा मर जाएगी, पर क्लेरा ने तो वो नहीं खाया था। और यही एक दिन चुपके से पोला के घर में घुसा था और क्लेरा बनके इसको कॉल कर रहा था इसी के नंबर से और गायब हो गया था। वो बस पोला को पागल साबित करना चाहता था, पर जब कुछ काम नहीं आया तो क्लेरा को वापस से उसने किडनैप कर लिया। यहाँ प्रेजेंट में पोला अब क्लेरा को बचाने का प्लान बनाती है। एंडोरा के घर पे आई होती है और ये समझ गया होता है कि पोला इसके कर्मकांड को जानती है, तो इस पे अटैक करता है और बेसमेंट में ले जाता है और बांध देता है। क्लेरा भी यहीं पर होती है और यहाँ पर भी चौक चलाया गया होता है हर तरफ। पोला को ये बांध देता है और यहाँ पे पता चलता है कि एंडोरा ने 10 साल पहले इंग्रिड नाम की लड़की उसे शुरू वाली को जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी पैच, उसको किडनैप किया था और उसको प्रेग्नेंट किया उसने और उससे मार मार कर उसकी जान ले ली, और उसी की बेटी होती है ये क्लेरा। और एंडोरा ने ही इसे ऐसा बनाया, मतलब चौक में रहने के लिए इसको ट्रेनिंग देता है कि तुम्हें चौक लाइन से बाहर नहीं जाना, और बचपन से उसको ऐसा ट्रेन कर दिया इसने कि वो चौक लाइन से बाहर जाती ही नहीं है और इसको रोज मारता पीटता भी रहता है ये। पोला ने पहले पुलिस को कॉल कर दिया था तो पुलिस भी यहाँ पर आ गई होती है, बट एंडोरा इनको झूठ झूठ बोलकर यहाँ से भेज देता है। ये नीचे जाता है और फिर से पोला को बहुत मारता है और पूछता तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, ये बताती है केस फाइल से। तो एंडोरा उस फाइल को जलाने के लिए यहाँ से चला जाता है और यहाँ पोला क्लेरा के पास चौक फेंक कर कहती है कि तुम्हें आज खुद से लाइन ड्रॉ करके यहाँ से बाहर भागना होगा, ये मेरे पास आके बचाना होगा। क्लेरा लाइन खींचना शुरू कर देती है पर बहुत धीरे धीरे लाइन बना रही होती है। इतने में एंडोरा आ जाता है। क्लेरा जब तक बेसमेंट के बाहर जाकर बेसमेंट को बाहर से बंद करके मेन डोर पर आ जाती है घर के, पर ये बाहर नहीं निकल रही होती क्योंकि चौक बाहर नहीं चलेगी तो बाहर लाइन नहीं बना सकती है। और यहीं से सिमन को आवाज लगाने लग जाती है जो कि पुलिस से भी बातें कर रहा है, उसकी वाइफ गायब हो गई है। क्लेरा पहली बार बिना चौक लाइन के बाहर आती है और इतने में एंडोरा की वाइफ आ जाती है और क्लेरा को हक करती है, उठाती है और घर में लेकर वापस चली जाती है। एंडोरा अपनी वाइफ को भी परेशान करता है, ये कहती है कि देखो मैं बेसमेंट का सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जो करना है करने दो, ये मान जाता है। और इतने में घर में पुलिस आकर दोनों को अरेस्ट कर लेती क्योंकि जब एंडोरा की वाइफ क्लेरा को घर में लेकर आई थी तो क्लेरा के हाथों में बहुत सारा चोक लगा था, उसने वो डोर पर निशान बना दिया था और उसी को पुलिस ने देख लिया और आज ये दोनों पकड़े गए। इस तरह से क्लेरा और पोला दोनों बच जाती है। क्लेरा अब अपने नाना नानी के साथ जर्मनी में रहती है और पोला भी प्रेग्नेंट हो गई है और पोला क्लेरा दोनों कभी कभी बातें भी किया करती है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए बाय।